मधिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आईटी सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये रिगार्डिंग फी हाइक के रिलेटेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी एप्लीकेशन डाली थी, अर्जियां डाली थी कि हमारा जो जूनियर्स का फी है वो प्लीज रिड्यूस कर दे, लेकिन उन्होंने रिड्यूस नहीं करा। वस्त जिला गांधरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तुलबा ने सालाना फीसों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ तुलमुला कैंपस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। देखिए शाहिद जीलानी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम मुबशर है, मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारी एप्लीकेशन डाली थी, अर्जियां डाली थी कि हमारा जो जूनियर्स का फी है वो प्लीज रिड्यूस कर दे, लेकिन उन्होंने रिड्यूस नहीं करा और हमारे जो स्टूडेंट्स है बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है। हमारी रिक्वेस्ट इतनी है सिंपल, अगर लास्ट ईयर बैच का फी 7000 था, इस ईयर बैच का क्यों 14000 है? अगर मैं पे कर रहा हूँ पूरी डिग्री में ऑलमोस्ट 75000, मेरे जूनियर्स क्यों करेंगे मोर देन 1.5 लाख? ये सरासर नाइंसाफी है। वी वांट दिस थिंग टू टेल एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर डूइंग द पीसफुल प्रोटेस्ट एंड इट्स आवर राइट, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दिस राइट, प्लीज हमारे साथ बात करें और फीस जो है प्लीज इनको रिड्यूस करें और एक अच्छी सी स्केल जिसमें आप स्टूडेंट्स को भी कंसिडरेशन में लेंगे, अच्छी सी स्केल रखें जहां पे आप फिर फी को रेगुलरली अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन हाइक कर सकते हो। मधिया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आईटी सेकंड सेमेस्टर। तो यहां पर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये रिगार्डिंग फी हाइक के रिलेटेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। अगर हमारा जो फीस स्कीम होता है वो रिलेटेड हो, यहाँ पर पहले ये लोग अपलोड करते हैं कोर्स सिलेक्शन से पहले, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लैब डेवलपमेंट फी है, इट्स अराउंड 17,000 to 16,000। और जब हम देखते हैं लैब में बिल्कुल यहाँ पर कोई भी मतलब फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं होती है, ना यहाँ पर हमारे पास वॉशरूम्स अवेलेबल है, ना यहाँ पर हमारे पास क्लासरूम्स अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बैचलर्स भी होता है एंड मास्टर्स भी होता है, जिस हिसाब से हमारे पास 6 क्लासरूम्स अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 ही क्लासरूम अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें एक अनकंफर्टेबल क्लासरूम में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन फी यहाँ पर अराउंड हमें 35,000 to 39,000 फी है हमें पर सेमेस्टर। तो हम चाहते हैं अगर हम एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आए हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर एटलीस्ट फी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फी बहुत ज़्यादा है। सो ये फी हाइक के रिलेटेड एक प्रोटेस्ट है, सो आई होप दैट अथॉरिटीज वुड कंसिडर दिस। थैंक यू। बहुत गरीब भी बच्चे हैं, मीडियम वाले भी हैं, अमीर बच्चे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है गरीब है, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो कहाँ से 1.5 लाख रुपए फीस लेके आएंगे? आप किस बेसिस पे फीस बढ़ा दी हो आप मुझे दिखा दो। वीसी के साथ जब भी बात होती है, वीसी सर यही कहते हैं कि ये फीस जो है सेंट्रल वाले ने बढ़ा दिया है। सेंट्रल वाले ने फीस कैसे बढ़ा सकते हैं? ये आपके अंदर आपकी अथॉरिटी है कि आप यहाँ से कौन सी रिपोर्ट उनको देते हो। आप यहाँ से रिपोर्ट देते हो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट कर दी है। कौन सी डेवलपमेंट कर दी है? अब हम चाहते हैं कि हमारा फीस कम हो, हमारी जो एग्जाम है वो टाइम पे हो। पहली चीज की सिलेबस कंप्लीट नहीं, आप एग्जाम लेने लग रहे हो, ये कौन सी जस्टिस है? आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो? मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। मैं 1200-1500 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मुझे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए ना। आप उसके बदले फीस ले रहे हो चलेगा, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करो नहीं चलेगा।